गोरक्षा के नाम पर अलवर में हुई हत्या पर एक से बढ़कर एक विवादित बयान आ रहा है। बीजेपी नेता विनय कटियार का कहना है, मुस्लिम गाय को छूने से पहले कई बार सोचे, ये इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रश्न है। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे के बाद बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या 23 और घायलों की संख्या 107 तक पहुंच गई है। अमरनाथ यात्रा के विभिन्न सेवा प्रदाताओं के एक महासंघ ने पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन के लिए 2 माह की यात्रा की अवधि को घटाकर 30 दिन करने की सलाह दी है। डिप्टी कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने स्वच्छता मिशन की समीक्षा की और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों को दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे समाप्त हो रहे रेशम उद्योग को फिर से बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का उद्देश्य राज्य के भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाना और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि उनका लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। उनका मिशन 2019 में आम चुनावों में सम्मान विचारधारा वाली पार्टी के समर्थन से 2074 से ज्यादा सीटें हासिल करना है। रवांडा पहुंचे पीएम मोदी, भारत ने 20,000 करोड़ डॉलर की पेशकश की। सरकार ने किया स्वीकार, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में 35 जवान शहीद। मुख्यमंत्री द्वारा देशद्रोही कहे जाने पर 26 जुलाई को राजधानी के टीटी नगर थाने में दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी देने की घोषणा से सियासत गर्मा गई है।